अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 4। जैसा कि हम पेज नंबर 3 में भी पढ़ चुके हैं ब के बारे में, पेज नंबर 4 में भी ब के बारे में ही बताया गया है। सबसे पहले बच्चों से पूछेंगे कि ये कौन सा हर्फ है, बच्चे बताएंगे, क्योंकि बच्चे पहले ब के बारे में पढ़ चुके हैं। ब कौन सा हर्फ है, ये ब। बच्चों से पूछेंगे कि ये कौन सा हर्फ है, ब। बच्चों को बताएंगे ये हर्फ है ब, ब के नीचे एक नुक्ता। फिर उसके बाद बच्चों को ब से बनने वाली चीज़ों के बारे में, जैसा कि हमने पेज नंबर 3 में भी बताया था कि ब से ब बकरी, बबल, ब बस्ता, ये तीनों चीज़ें बनती हैं। ऐसे ही ब बिल्ली, बिल्ली भी बनती है। उसके बाद बच्चों को बताएंगे कि अपनी उंगली की मदद से इसके ऊपर ट्रेस करें, ऐसे साथ साथ बोलते जाएं कि ये कौन सा हर्फ है, ब, ब के नीचे एक नुक्ता। इसी तरह फिर पेंसिल की मदद से इसके ऊपर ट्रेस करेंगे और साथ साथ बोलते जाएंगे कि ये कौन सा हर्फ है, ब, ब के नीचे एक नुक्ता, ब। इसी तरह ये तीनों हर्फ राइट करने हैं, साथ साथ बोलते जाएं कि ये कौन सा हर्फ है, ब, ब के नीचे एक नुक्ता, ब, ब, ब के नीचे एक नुक्ता। ताकि बच्चे बार बार बोलेंगे फिर ही बच्चों को पहचान होगी कि ये कौन सा हर्फ है।